कब्जा कर मोटी रकम में बेचा जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी के विकास पर जोर दे रही है, लेकिन यदि ऐसा भी गांव सामने आया जहां विकास करने के लिए भूमि ही ना बचे और ना नरवा बचे, तब उस गांव का विकास किस प्रकार किया जाए, यह शासन द्वारा सोचने की बात है। यह मामला जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कोटिया की है, जहां गांव के ही कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा गांव के खाली जमीनों को बेचा कब्जा कर मोटी रकम लेकर बेचा जा रहा है। बच्चों के खेलने कूदने के मैदान को भी निगल गए हैं ये लोग, यहाँ तक कि नरवा को भी पाट कर खेत और मकान बना दिया गया है। गोठान बनाने के लिए भी जमीन नहीं है, और यदि भविष्य में शासन द्वारा कुछ निर्माण कार्य का आदेश मिले तो क्या करेगी ग्राम पंचायत कोटिया। कानून में लिखा है कि कोई भी अपने अधिकार से अधिक नहीं दे सकता, तो गांव के कुछ चुनिंदा लोग खाली पड़ी जमीन को भी कैसे बेच रहे हैं, इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। हद तो तब हो गई जब एक ग्रामीण के आने जाने के रास्ते को ही शत्रुघ्न कुर्रे पुत्र गुलजार द्वारा बेचा कब्जा कर 2 लाख रुपए में बेच दिया गया, जो जमीन गांव के बच्चों के खेलने के लिए छोड़ी गई थी। यह जमीन शिवधन उर्फ बिट्ठल के मकान से लगा हुआ है, जिसके द्वारा तहसीलदार महोदय नवागढ़ राय जाननी चाही गई तो दबंग कब्जाधारियों के डर से गांव के 60% लोगों द्वारा जमीन कब्जा किया गया है बताया गया, जो बिल्कुल झूठ है। गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा ही जमीन को कब्जा किया गया था, जिसको ऊंचे दामों पर बेच दिया गया और बेचा जा रहा है। गांव वालों के पास विकास करने को जमीन नहीं है, पर गुलजार ने तुलसी गांव वाले व्यक्ति को जमीन बेच दिया है, जो अभी वहां गांव कोटिया में निवास कर रहा है। सरपंच प्रतिनिधि शिव लहरे द्वारा बताया गया कि पूर्व में पटवारी ने जमीन का निरीक्षण किया, लेकिन कार्यवाही करने से डरे। अब सोचने वाली बात यह है कि जब प्रशासन के ही जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही करने से डरते हैं, तो अधिकारी बनने का क्या औचित्य रह जाता है। इन बातों के होते हुए अब देखना यह है कि तहसीलदार और कलेक्टर साहब भी क्या कार्रवाई करने से डरते हैं, जिनको आवेदन दिया जा चुका है। पूरी खबर जानने के लिए देखिए जांजगीर एक्सप्रेस 07 न्यूज छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर बालेश्वर कश्यप नवागढ़ राजा भाटा के साथ। क्या नाम है आपका? अनीता सनमानी। गांव कोटिया। क्या परेशानी हो गई आपको? हम लोग रास्ता नहीं देते दे, जमीन वाला हम बेचते हैं, जगह जगह खड़ खड़ के बेचाते, रास्ता नहीं मिलाते हम लोग। का परेशानी होते करते ओकर से हम लोग बाहर जाके रास्ता नहीं मिलाते ना, एति के मन देबो का हाथे नहीं देते और बाहर जाने के रास्ता नहीं मिलाते। रिपोर्ट करे है का मैम? हां करे है बाबा, लेकिन नहीं आते पुलिस वाले, सबन कुछ नहीं करते। कैसे कर शत्रुघ्न कर शत्रुघ्न कर बेचे की शत्रुघ्न है बेचे है शत्रुघ्न कर बेचे है आप बेचने वाला का नाम जाना से बाबा कौन है बेचे तो नाम है बाबा तुम्हार शिवधन कौन गांव के कोटिया क्या परेशानी है तुम्हार बेचा कब्जा बेचा थे कौन है बेचा शत्रुघ्न कब्जा करके आओ तो तुम्हारा क्या परेशानी होते रास्ता बंद कर दे है मोरा जाए के रास्ता ला अच्छा तो का करे है फिर तो थाना में रिपोर्ट कर रहे हैं और तहसीलदार में कटा रहे हैं का हो तभी नहीं आए अभी दे माहौल में अच्छा हाँ का नाम बाबा शिवधन बोलो 5-6 जगह शत्रुघ्न बेचे है और कब्जा करके बेचा जात है और मन कर पैसा ले लेकर खाद और वो करार घेरे है कई जगह घेर घेर के बेचा थे कौन कौन लोग बेचे है बाबा कार्तिक करा बेचे है दिन और सीट जाल करा बेचे है और डोकला तुलसीहा करा बेचे है और अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम शिव कुमार लहरे है और मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ ग्राम पंचायत कोटिया से। महोदय जी बताएंगे कि आपके गांव में अवैध तरीके से जमीन को मतलब बेचा जा रहा है कब्जे करके, ऐसे में तो आपके ग्राम पंचायत के पास जमीन ही बचेगी जिससे आप आगे मतलब आने वाले समय में अपना गांव का विकास नहीं करा पाएंगे, तो इस बारे में आपके द्वारा आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए यहाँ तो लगभग 50-60% जो लोग हैं गांव के कुछ न कुछ सभी कब्जा किए हैं और इनका कब्जा ऐसा है कि मैं तो अभी हम लोग अभी आए हैं पंचायत में, लेकिन अभी हमारे आने के बाद कोई कब्जा नहीं किया है। हमारे आने से पहले सभी लोग कब्जा करके उनको बाड़ी वाड़ी घर बना के रखे हुए हैं, बाकी जो गांव का ज़मीन है वो पूरी तरह से कब्जा में हो चुका है सभी लोगों के, गांव में मतलब शासकीय भूमि नहीं बचा है। लेकिन कहीं कहीं तो जगह जमीन खाली है, उस पर तो मतलब शासकीय काम कराया जा सकता है।
जगह खाली है, लेकिन वो लोग भी उसमें 40 साल से 20 साल से अब धान मिसाई पैरा वैरा कुछ भी करके अपना कब्जा बना के रखे हुए हैं और बोलते हैं तो भाई हमारा कब्जा है 20 साल। अब जैसे कब्जा हटवाना चाहते हैं तो गाँव वाले सभी बोलते हैं कि सभी का कब्जा हटाओ, मेरा ही क्यों हटा रहे हो, पूरे गाँव के गाँव कब्जा किया है, पूरे जो भाटा पूरा दिख रहा है वो पूरा कब्जा है, वो पूरा गौचर था और खेल मैदान था, लेकिन सभी लोग घर बना लिए हैं कब्जा कर लिए, और एक को बोलो तो एक को हम कहाँ हटा सकते हैं, हटाओगे तो पूरे जितना कब्जाधारी उतना के ऊपर कार्रवाई करो ऐसा बोलते हैं। क्या आप शासन से मदद लेना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, शासन पटवारी आया था एक दो बार पिछले पंचायत में, लेकिन पटवारी भी कुछ नहीं कर पाया, शासन के पास गया भी था आवेदन, लेकिन शासन भी कुछ नहीं कर पाया कब्जा हटाने के लिए।